वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एबीएन जेजे एंड ऑनलाइन मैथ क्लास। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.5 में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो अपने बुक के पेज नंबर 62 पे, पेज नंबर 62 आप निकालो, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। मैम पेज नंबर 62 पे आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 6 आप देखो। अभी तक हमने 4 में जहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, 5 में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। अब 6 में देखिए ये क्या है क्वेश्चन अपना। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी। आपको 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उन सबको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो भी आपको लिखना है। बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, आपके अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में कोई रिलेशन है तो वो भी आपको लिखना है। तो हम वेरी फर्स्ट क्या करेंगे, 1729 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें छोटी से छोटी डिजिट से डिवाइड करना शुरू करना पड़ता है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अपन ने सीखे थे, उसमें देखो लास्ट डिजिट अगर ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सारी डिजिट का सम करके देखते हैं, ये 19 आ रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, और क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे लास्ट की 2 और 3 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 4 से भी नहीं होगा। लास्ट में अगर ना तो 0 है ना 5 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से ही नहीं हो रहा तो वो 6 से भी नहीं होगा। अपन ने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि 6 से वो ही नंबर डिवाइड होगा जो कि 2 और 3 दोनों से हो जाता है। तो अब अपन 7 से करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो रफ कॉलम में आप लोग क्या करते हैं, नोटबुक के बीच में आप लोग उसका, जैसे यहाँ आपने स्टार्ट किया, यहाँ बीच में आप इसका डिवाइड कर देते हैं। बीच में आपको नहीं करना है, आपको साइड में, मैंने आपको बार बार में बताया कि रफ कॉलम नोटबुक के राइट साइड में आप बनाएंगे और उस रफ कॉलम में आप सोल्व करके देखेंगे। तो 7 2 14, यहाँ 3 मेरे को मिला, 4 28, 12 में से 4 4 4 7 7 49, यानी कि 247 टाइम ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल को आप देखते चलें और लास्ट में ये 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13 और 19 बार। अब 19 क्योंकि प्राइम नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होगा तो 19 बन जा 19। तो इस तरह से ये हमें इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर मिल गए। अब इन्होंने पूछा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो आप इनको लिखो, ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं 1729 के, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने इनके प्राइम फैक्टर लिखे हैं उनके बीच में क्या कोई संबंध है, क्या कोई रिलेशन है। जो भी ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, पास के 2 नंबर, यानी कि 7 और 13 में अगर हम देखेंगे तो
तो हमें पता चल रहा है कि दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है। अब सेकेंड नंबर पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर 2 कौन से हुए, 19 और 13। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आया, 6 आया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं उन प्राइम फैक्टर में 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 देखो। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इस स्टेटमेंट को कुछ एग्जांपल देते हुए आप यहां पर बताएंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या वेरीफाई करना है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होता है। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर मींस पास वाले 3 नंबर। अब यहाँ पर वो नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 3 नंबर कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर लिए। क्वेश्चन 7 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। मानो कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर एकदम पास वाले 1 2 3 मैंने इसको लिया, इनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो कितना आया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो क्या 6 6 से डिविजिबल है ना वन टाइम। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, हो सकता है कि एक बार तो हो जाए, दूसरी बार तीसरी बार अपना आंसर नहीं आए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए सम एग्जांपल्स हमें देना है। 2 3 4 कितने भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो जैसे हम मैंने सेकंड नंबर पे 2 3 और 4, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर यहाँ पर लिए, नो। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो आप देखो क्या 24 6 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम। अब थर्ड एग्जांपल अगर हम ले, एक और लेके देख लेते हैं। ये हम 3 4 और 5 को लेते हैं, मैम, इनका इसमें से वन प्रोडक्ट एग्जांपल लिया लिखना ना। सम एग्जांपल्स मतलब 2 या 3 तो लिखने ही है हमें, नहीं तो मैं वन एग्जांपल ही दे देती। 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60 है ना। है ना। तो मैम इनका लेके प्रोडक्ट कितना आया, 60। तो क्या 66 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, कितने टाइम, 10 टाइम। इट मींस हमारा आंसर क्या होगा कि यस, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, कि हमेशा 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है वो 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यहां पर तो देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोले थे हमें, इवन नंबर ऑड नंबर कुछ भी नहीं बताया था 7 के क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला जा रहा है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी 2 ऑड नंबर लेने हैं पास वाले, और देखना है कि क्या इन दोनों का सम 4 से डिवाइड होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। इस स्टेटमेंट को भी हमें वेरीफाई करना है कुछ एग्जांपल्स देते हुए। तो यहां पर देखो, ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं और कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। ठीक है, अब पहले वाले में हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए थे, उनका प्रोडक्ट किया था यानी मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, लेट बी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव
ओड नंबर विल बी, क्या ले हम वन, वन ओड नंबर है, वन के बाद में टू क्या हो गया, इवन नंबर, लेकिन हमें तो इवन नंबर तो लेना ही नहीं है, ओड नंबर लेने हैं, तो ये हो गया थ्री। अब पास वाले तो टू ओड नंबर वन और थ्री तो हुआ, क्योंकि टू तो बीच में इवन नंबर हो गया और हमें ओड नंबर लेना है। अब इनका क्या करना है, सम करना है। इनका सम अगर मैंने किया तो आंसर कितना आया, फोर। और क्या फोर फोर से डिविजिबल है ना वन टाइम। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल ले और उसमें हमारी डिजिट हो, थ्री ओड नंबर मैंने लिया, थ्री के बाद में सेकंड नंबर कौन सा ले, फोर, तो हमारा इवन नंबर हो गया। फोर के बाद में क्या आएगा, फाइव। अब इनका सम अगर मैंने किया, आपको मैं यहाँ पर सेकंड थर्ड एग्जांपल शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है, थ्री प्लस फाइव जो फर्स्ट में मैंने लिखा ना, लेट बी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर विल बी, ऐसे ही आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, थ्री एंड फाइव, वन और थ्री की जगह आप थ्री एंड फाइव कर देंगे। देयर सम इज कितना हो गया, एट। अब एट क्या फोर से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना, इट मीन्स कभी भी अगर टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का हम सम करते हैं तो वो हमेशा फोर से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नाइन, नाइन क्वेश्चन आप देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। आपको देखना है कुछ यहाँ पे ए बी सी डी फोर पार्ट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको ये उनके प्राइम फैक्टर जो नंबर दिए हुए हैं ना, उन नंबर के प्राइम फैक्टर भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि उनमें से कौन कौन से नंबर का जो फैक्टराइजेशन किया हुआ है उसमें ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी जिसमें कि कंपोजिट नंबर नहीं हो, ओनली प्राइम नंबर ही हो। तो ये हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नाइन में, ये देखो ए पार्ट में आपका 24 और 24 का ए फैक्टर कौन कौन से दे रखे हैं, 2 × 3 × 4। अब बी पोर्शन पे आपके पास है 56 नंबर, जिसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 7 × 2 × 2। सी नंबर पे आपको दिया हुआ है 70, और 70 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 × 5 × 7। और डी पोर्शन पे आपको नंबर दिया हुआ है 54, और 54 के फैक्टर यहाँ पर हैं 2 × 3 × 9। अब इन फैक्टर्स में से हमें ये बताना है देख के कि किस किस नंबर के ओनली प्राइम फैक्टर हैं, जिसमें कंपोजिट नंबर नहीं हो, ओनली प्राइम नंबर हो, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन हो। अब यहां पर देखो, हम यहां पर देख रहे हैं 2 × 3, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये जो नंबर 4 है ये क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 है वो अपनी टेबल से भी डिवाइड होगा और 2 की टेबल से भी होगा, इसके मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, और मोर देन 2 फैक्टर जिसके भी होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इट मींस यहाँ पर 4 है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ए जो है वो प्राइम फैक्टर के टर्म में नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला अपन देखते हैं, 7 × 2 × 2 × 2, यहाँ पर 2 और 7 हमें दिया हुआ है, और दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है,
तो ये हमारा बी पोर्शन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का है। सी में आप देखिए अगेन 2 × 5 × 7 ये भी आपका प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है ना 2b 5b 7b। अब 54 का देखते हैं डी पोर्शन में, तो डी पोर्शन में आप देखो 2 × 3 × 9 यहाँ पर 9 को आप देखो, 9 क्या है प्राइम फैक्टर है क्या? नहीं है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप 9 खाली अकेले खुद के ही टेबल में नहीं आता, बल्कि 3 × 3 = 9 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है और इसके फैक्टर हुए 1, 3 और 9 यानी कि मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पर हैं। और जिस भी डिजिट के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो हमेशा कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें भी नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस में है? ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी। किस किस में है? बी एंड सी, इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 9 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 10 हम करेंगे। क्वेश्चन 10 देखो, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन? इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, अब हिंट में हमें क्या दिया हुआ है? 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 5 और 9 क्योंकि को प्राइम नंबर हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 और 9। 9 और 5 में आप डिविजिबिलिटी करके देखो, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। और क्योंकि जो 45 है वो क्या है? 5 और 9 का क्या है? प्रोडक्ट है ना। इन दोनों को मल्टीपल करने से ये 45 के 5 और 9 क्या है? फैक्टर हैं। तो इन दोनों फैक्टर से ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है? 45 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप ये देखो 45 एक आपका ये नंबर यहाँ पर है 25,110। तो क्या ये 45 से डिवाइड हो रहा है? और यहाँ पर हिंट में आपको दिया है कि 5 और 9 दोनों ये 45 के फैक्टर हैं। ठीक है, और इन फैक्टर से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 45 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि ये जो दो फैक्टर हैं, ये फैक्टर हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर को प्राइम नंबर है तो ही इसके प्रोडक्ट से वो डिजिट डिवाइड होगी जो कि 5 और 9 से होती है। तो यहाँ पर देखो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कितना आता हो? 1। तो 5 के हमें फैक्टर मिले 1 और 5, 9 का हमें फैक्टर मिला 1 × 3 × 3 या फिर 1, 3 और 3। 1 और 3 दो ही फैक्टर हैं, या 3 × 3 अपन कर सकते हैं, लेकिन वैसे दो नंबर हमारे पास हैं। लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया? कॉमन फैक्टर क्या है? 1। और क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है, इट मीन्स ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, जिस भी 2 डिजिट का कॉमन फैक्टर 1 आता है वो क्या होता है? हमेशा को प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर
45 से ये डिजिट डिवाइड हो रही है क्या? अगर 5 और 9 दो को प्राइम नंबर है और 5 और 9 दोनों से ही 25,110 है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ देखो हमें हिंट दे दिया है ये 45 से डिवाइड होगा, और क्योंकि ये 5 और 9 से डिवाइड हो रहा है और 5 और 9 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो जिसके फैक्टर को प्राइम नंबर हो, तो अगर उन को प्राइम नंबर से वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में आप देखो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, 18 है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यह 18 जो नंबर है वो 2 और 3 से तो डिवाइड हो रहा है सेपरेटली, इनके प्रोडक्ट 6 से भी डिवाइड हो रहा है। अब ये आगे बोल रहे हैं सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। इसी तरह कोई एक नंबर जो कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्या वह नंबर उसके प्रोडक्ट 24 से भी डिवाइड हो जाएगा? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर, और अगर नहीं होता है तो अपने एग्जांपल को जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, कि 18 है वो 18 एक नंबर है यहां दिया हुआ है वो 2 और 3 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 6 उससे भी डिवाइड हो रहा है, तो अपन देखते हैं 18 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 9 टाइम हुआ, 18 को अगर मैंने 6 3 से डिवाइड किया 3 6 जा 18, अब इन दोनों का 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है 6 उससे अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 जा हो रहा है ना, 18 तो हो रहा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि 24 है वह, सॉरी कोई भी एक नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये पूछ रहा है कि कोई भी नंबर x है वो अगर 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो क्या वो इन दोनों के प्रोडक्ट 24 से भी डिवाइड होगा क्या? हमारे पास क्वेश्चन यही है ना, तो हम करके देख लेते हैं। मैं एक नंबर लेती हूँ 12, ठीक है 12 अपन एक नंबर लेते हैं, 12 को अपन 4 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम होगा, और अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 2 जा 12 हो गया ना 2 टाइम, लेकिन अगर मैं 12 को इन दोनों के प्रोडक्ट 24 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा ना, इट मींस कोई भी नंबर अगर वो 4 और 6 दोनों से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन वो उन दोनों के प्रोडक्ट 24 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे देखो 18 में ये जो दोनों नंबर है ये को प्राइम नंबर है, 2 और 3 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है,
और क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर वन आता है, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, वन, तो अगर दो को प्राइम नंबर हो तो उनके प्रोडक्ट से तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो फोर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है ना, और सिक्स भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अगर दो कंपोजिट नंबर है या एक भी कोई नंबर कंपोजिट है और दूसरा प्राइम है तो उन दोनों के प्रोडक्ट से वो डिजिट डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो फैक्टर हमें दिए हुए हैं वो अगर कंपोजिट नंबर हैं, या फिर ये बोले कि वो दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, उनका कॉमन फैक्टर वन नहीं आता हो तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट से वो डिजिट डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। फोर और सिक्स यहाँ पर क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, फोर और सिक्स क्या नहीं है, नॉट को प्राइम नंबर, और क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए इनके प्रोडक्ट से वह नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कैसे उतारना है जैसे आपने कह रहे मैम, कैसे उतारना है आपने उतारा है। अब इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप देखो, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जो कि फोर डिफरेंट प्राइम नंबर से बना है, तो क्या तुम मुझे फाइंड कर सकते हो, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि फोर प्राइम फैक्टर से बना हो, और स्मॉलेस्ट नंबर हमें कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर को निकालें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास वो नंबर क्या है, x है, इसके फैक्टर कितने लेने हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये मैंने मेरे को 4 इसके फैक्टर लेने हैं, कौन से प्राइम फैक्टर होने चाहिए और छोटे से छोटे होने चाहिए, तो 1 तो आपका ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो 2 आपका सबसे पहले प्राइम नंबर, ठीक है, 3 आपका प्राइम नंबर, 4 आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को इसमें आपको जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना, ओनली 4 आपको प्राइम फैक्टर ही लेने हैं, तो 4 कंपोजिट नंबर है तो हम लेंगे नहीं, 5 आता है अगला नंबर, अब 5 के बाद में 6 आता है, अगेन कंपोजिट नंबर है। हाँ बेटा, मैं हमारी 2 यूनिट 2 नहीं करी हुई, वो अभी क्लास के बीच में डिस्कस करने की बात नहीं होती बेटा, वो बाद में आप फोन करके बता देना, नहीं करी तो आप YouTube से वीडियो ले लेना और कर लेना। अब 5 के बाद में 6 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, अब कंपोजिट नंबर तो हमें लेना ही नहीं, प्राइम फैक्टर लेना है, उसके बाद में सब 5 के बाद में सीधा 7 हमारे पास नंबर आता है, तो 4 प्राइम फैक्टर हमें मिल गए, अब 4 प्राइम फैक्टर जो मिले हैं उनसे हमें नंबर x निकालना है, तो ये हमारा x नंबर कैसे निकलेगा, 4 प्राइम फैक्टर हमने छोटे से छोटे लिए शुरू वाले, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30 और 37 जा 210, यानी कि x कितना निकला 210, यानी कि 210 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 5 डिफरेंट प्राइम फैक्टर से बना है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, तो इस तरह से आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.5 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
सारे बच्चे क्वेश्चन जो 6 से 12 तक के आज हमने इस क्लास में किया है उनका घर पे रिवीजन करेंगे और मैथ्स की फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।